तो हेलो गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और भाई, आप सबके बीच एक और न्यू ब्लॉग लेके आप सबके बीच आ चुका है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है नंगरखोला के ऊपर। तो गाइस, सबसे इंट्रोडक्शन करवा रहे हो आप सबको, और ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, एंजॉय होने वाला है, आप सबको मजा ही मजा आने वाला है। तो देरी न करते हुए आप सबको यही बोलना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चलिए आज स्टार्ट करते। देखो गाइस, इसे बोलते थे इतना मत खा, इतना मत खा, इतना खा चुका है, गेंडा हो गया खा खा के। देखिए, थक गया भाई। देख, हमारा पीछे खींचियो आप। तो गाइस देखिए, भाई सब यहाँ पानी भर रहा है झरना में। देखिए सब फ्रेंड यहाँ पर है, आप सबको दिखा रहा हूँ, छोटा सा झरना है, यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है। सब भाई इधर ही है, देख सकते हो गाइस। तो देखो साथी, हम लोग छत्ता पहाड़ के आसपास में आ गए हैं, और हमारा साथी लोग भी आ गए हैं, और साथी आगे चल गए हैं। और आप लोग कभी मत आना। नहीं नहीं, आना जरूर, आना बाबा के दर्शन करने जरूर आना। आप लोग देखो वहाँ पर दो चार साथी हमारा पानी पीने की कोशिश में लग रहे हैं। तो देखिए, ये लोग लगता है थक गया है, फिर भी इतना जोश है कि अभी अभी छत्ता पहाड़ पर तक चढ़ सकता है, और यहाँ से अभी लगता है 1.5 घंटा लग जाएगा। The next day. तो गाइस, सुबह के व्यू आप सबको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो गाइस, सुबह सुबह कितना प्यारा नजारा है, आप सब देख सकते हो। अब जाएंगे फिर से नीचे। देखिए हमारा साथी और वहां पर रुका है। तो ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। आज रात यहीं पर रुके थे, और आज फिर से कंटिन्यू होगा। आज फिर यहाँ से नीचे जाएंगे, छत्ता पहाड़ पे अभी रुके थे, अब जाएंगे नीचे, बाबा का दर्शन करेंगे, और फिर दर्शन करके आएंगे। और तब तो आप सबको पता ही है ब्लॉग में कैसे 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 सब कंटिन्यू होगा। तो ठीक है गाइस, अभी देख सकते हो जा रहे कुछ भक्तिमय होके ब्यास। अरे अब्बा की सवा नवा में जहूरी भवा नवा में ले आईनी भंगिया के गुला की आंखें तनी खोली ए मोरा भोला। तो गाइस देखिए, हमारा फ्रेंड सब, हाँ हम सब बहुत थक गए, भर रहे छत्ता पहाड़ पर, हम सब रहे खाना खाए रहे, भरकर 2 घंटा के सफर से अभी 1 घंटा ने पूजा भी हम सब बाबा आला। तो गाइस देखिए, दिलीप भाई ने अपना बयान दिया है, से वो थक गया है और 2 घंटा से रेस्ट कर रहा था, रात भर से रेस्ट कर ही रहा था, और 2 घंटा फिर भी सुबह सुबह रेस्ट किया, और अब स्टार्ट हुआ है चलने के लिए। इसको जो है ना हिंदी और नेपाली मालूम ही नहीं, इसीलिए अरबी और उर्दू बोल रहा है। गाइस चलिए, अब ब्लॉग ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि रात भर रुक गए थे, अब जा रहे फेंस से नीचे, फेंस से आएंगे ऊपर, फेंस से उतरेंगे नीचे कमला रिवर के पास, तब फेंस से जाएंगे। देख सकते हो कितना कीचड़ है, और साइड में कितना नजारा, क्या बेहतरीन नजारा, कितना प्यारा नजारा है, देख सकते हो गाइस आप सब, पहाड़ी पहाड़ है। तो गाइस देखिए कितना अच्छा व्यू है, आप सब देख सकते हो, पहाड़ से नीचे बादल आ चुका है। तो गाइस चलिए आप आगे चलते फिर। देख सकते हो आईपीएल का नंबर 1 खिलाड़ी ओम प्रकाश मंडल आप सबके बीच उपस्थित हो गया है, दूसरा दिन है ब्लॉग का, आप सब देख सकते हो। तो ओम प्रकाश मंडल, आप कितना थके हो, आप बोलिए। सर तूने कभी ना तू देखने पर हिंदी में बोलो, हिंदी में भाई। ओ
भाई अभी थक गया है क्योंकि कल शाम को क्रिकेट भी खेले थे यहाँ पर, दो बॉल पे दो रन तो नहीं मार पाया। गजब बेइज्जती है, मर क्या करे भाई, बहुत मेहनत कर रहा है। आप सब पिछले वाले आईपीएल में तो इसको पहचान नहीं पाओगे क्योंकि लाइट कम था वहाँ पर स्टेडियम में, इस बार इतना लाइट लगाएंगे ना आप सबको, सब सब जगह ओम प्रकाश मंडल ही दिखाएंगे। तेरे दर पे आया बाबा, झोली खाली लाया बाबा, जल चढ़ाने आया बाबा, बड़ी दूर से आया बाबा। देखो गाइस हमारा पूरा टीम आ चुका है यहाँ पर बाबा के नगरी में, और यहाँ पर से हम लोग 5-7 मिनट के अंदर में चल जाएंगे। दिखाते यहाँ पर से कितना दूर है, देखो अब लगभग आधा एक घंटा के अंदर में हम लोग मंदिर का व्यू दिखाएंगे, और हमारा और टीम आने के बाकी है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, उसी के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। देखो हम यहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। प्रेम से बोली बाबा बैजुनाथ की। आइए ना, अरे बाबा के भजन सगरो सुनाता। तो गाइस देख सकते हो ये सब सब थक गया है, कोई आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक ही आदमी जो आगे जाने का सबसे पहले वो आदमी से आप सबको मिला रहा हूँ, वो इंसान से, वो है आईपीएल का नंबर वन खिलाड़ी ओम प्रकाश मंडल, देखिए इधर। तो गाइस देरी ना करते हुए आज का ब्लॉग फिर से खत्म करने की नौबत आ गया। चाहे हो फर्स्ट क्लास चाहिए।